डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। आई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, आई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, आई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, आई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से साईं वाणी को प्रारंभ किया। लगातार पूरे विश्व से साईं बाबा के सब भक्त जुड़ रहे हैं और इस बात की खुशी है कि वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। साक्षात प्रभु का आशीर्वाद जब एक मानवता भरे इंसान को, पृथ्वी तल पे कार्य करने वाले हर मानव जाति को मिलता है, तो उसके जीवन का सही लक्ष्य और सही मार्ग शुरू होता है। तब तक नहीं, हम हमारे शरीर को जो कर्म करने हैं उस कर्म से पराजित करते हैं, थक जाते हैं लोग, कुछ कुछ लोग तो रुक जाते हैं, कठिन समस्या आने के बाद भाग जाते हैं। भगवान की पूजा करने वाले जो महान इंसान हुए, महान जो इंसान के रूप में आए लेकिन भगवान का रूप बने, इसी धरती पर लोगों ने उनको भगवान की तरफ पूजा और उनकी सम्मान किया, वही लोगों की भी तो जीवन में समस्या आई। राजा था दशरथ, अपने बेटे को दूसरे दिन गद्दी पे बिठाने वाला था प्रभु रामचंद्र जी को। हजारों करोड़ों लोगों के प्राण प्रभु रामचंद्र जी ने बचाए लेकिन अपने पिताजी को ये दुख से नहीं बचा पाए और खुद पुत्र विरह में राजा दशरथ मर चुके। अब सबको पता है जब मीरा भगवान कृष्ण का लगन लगे और भजन और नृत्य करने लगी तो उनके पिताजी ने, मतलब उनके पति ने उनको छोड़ दिया और उनके देवर ने उनको जहर दिया। फिर भी मीरा ने वो जहर पी के भगवान की इसमें लीन रही, लेकिन वो जहर से तकलीफ हुई लेकिन उन्होंने कभी किसी से दया याचना नहीं की। कितने ऐसे उदाहरण दूं, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को आखिरी में कैंसर हुआ लेकिन उन्होंने कभी निजी स्तर पर भगवान के पास दया याचना नहीं की कि मेरे को इस कर्म से बचाओ। बहुत ऐसी उदाहरणें हैं जीवन में, अपने वैयक्तिक जीवन में कार्य करने वाले बहुत सारे महान लोग जो आपके इर्द गिर्द है, उन्होंने समस्या झेली लेकिन कर्म को काटने के लिए इसी शरीर को उन्होंने समृद्ध रखा, ना कि किसी के सामने याचना की। भगवान प्रसन्न होने के बाद या भगवान के दरबार में जाने के बाद क्या मांगना चाहिए, ये मैं आज आपको सिद्धांतिक तौर पर कर्म के सिद्धांत में साईं वाणी में कह रहा हूं। भाई और बहनों, प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी विचारधारा से साईं वाणी का मैंने प्रारंभ किया और लगातार लोगों से जुड़ने के बाद जो आनंद मुझे आज मिल रहा है, जो कार्य करने के लिए मैं आज आपके साथ खड़ा हूं, इसमें बड़ी खुशी है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा माम का पांडव क्षेव किम कुर्वत संजय। इस भूमिका के प्रति, इस भावना के प्रति, इस शाश्वत जीवन के प्रति जो भी समस्याएं हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी में आती है और ये समस्या आने के बाद हम थकते हैं, जैसे अर्जुन थका। अर्जुन ने देखा और कहा, मेरे मामे है, मेरे पिताजी के मतलब बड़े भाई है, मेरे बड़े भाई है भीम का, जब भाई साथ में था
तो सामने दुर्योधन था, दुर्योधन भी चचेरा भाई था, तो दुख हुआ अर्जुन को और कहा कि मैं ऐसे मेरे भाइयों से, मेरे गुरु से, मेरे परम मित्रों से लड़के मैं क्या करूंगा, और लड़ूंगा भी तो मेरे सक्सेस में, मेरे जीत में वो भी खून होगा, मैं क्यों जीऊं, इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के जीऊं। यानी कर्तव्य से विमूढ़, दृष्ट्वा तु पांडवानी कम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम राजा वचनम ब्रवीत हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तू उन लोगों को मार रहा है, उनके शरीर को मार रहा है, उनकी दुर्विचार को मार रहा है, उनकी वृत्तियों को मार रहा है, मरने के बाद तो शरीर मरेगा, आत्मा तो ट्रांसफर हो जाता है, बदला जाता है, दूसरे शरीर में जाता है, नया शरीर मिलेगा, तो ऐसी भौतिक स्थितियों की चिंता क्यों करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा डर है कि हमारा क्या होगा। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जीवन में, इतने संदिग्ध है, इतने शापित है, इतने दुखी है, इतने दुराग्रही है, इतने मत्सरी है, इतने द्वेषात्मक जीने वाले है, जो अपनी जीवन को बहुत बुरी तरह से कोसते हैं और उनको लगता है कि उनसे दुखी कोई नहीं। अरे तुम इन लोगों के दुख देखो, काली साक्षात काली मां जो रामकृष्ण परमहंस जी के साथ बात करती थी, वो परमहंस जी को आखिरी में कैंसर हुआ, वो भी गले का, और उनको डॉक्टर ने कहा गुरुदेव आप अभी भाषण नहीं दे सकते, लोगों के साथ बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा जिस दिन मेरा भाषण बंद होगा उस दिन मैं मरना पसंद करूंगा। कितना बड़ा दुख झेला, कर्म कोई नहीं टाल सकता, आप उसकी चिंता मत करो, जो होगा वो उसकी मर्जी से होगा, और जो हो रहा है उसी की मर्जी से हो रहा है, और जो होगा वो होगा ही होगा, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। भाइयों और बहनों ये विचारधारा है, ये शक्ति है, ये भक्ति है, एक रुतबा है, एक शाश्वत चीजें है, ये इसको हम नहीं टाल सकते। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ कार्य करने का काम करो बस, और ऐसी बात है। याद रखना मैं आज एक सक्सेसफुल गुरु मंत्र देता हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। 8 घंटा आप अपने लिए निजी रखो, उसमें 6 घंटा आप सो जाओ, 2 घंटा आप एक्सरसाइज करो, 1 घंटा योगा, 1 घंटा मतलब आधा घंटा प्राणायाम और आधा घंटा एक्सरसाइज, जो भी आप करना चाहोगे, जिम करो, उठक बैठक करो, जो भी करना चाहते हो, दंड बैठक करो, हनुमान बैठक करो, जो भी करना चाहते हो, लेकिन 2 घंटा एक्सरसाइज करो। और एक बात कहता हूं, 8 घंटा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने को करो, सिर्फ और सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही ऐसी शक्ति है जिसके पास सोचने की एक ताकत और बोलने की ताकत भी है। बाकी प्राणियों के पास सब कुछ है लेकिन बोलने की क्षमता नहीं, विचार करने की क्षमता नहीं, होगी थोड़ी बहुत लेवल पे अलग अलग प्राणियों में, लेकिन इंसान में सबसे ज्यादा है, इसीलिए इंसान पूरे धरती पर राज कर रहा है। लेकिन आपको सच कहूं, वो ज्ञान प्राप्त करता है ना तो दुख कम हो जाता है। जो ज्ञानी है ना वो मूढ़ है, कभी नहीं वो ऐसी किसी भी छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ेगा। जो सच्चा ज्ञानी हुआ उसका उद्धार हुआ, और यही आज का कर्म का सिद्धांत है कि व्यर्थ इसी के लिए विरह के लिए रो मत, वो आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है। ये बात मैं विश्वास और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, संकल्प ही तय नहीं होता इसीलिए लोगों के जिंदगी में खुशी ही नहीं आती। कितने सारे लोग मैंने दुखी देखे क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों से दुखी हो जाते हैं, कोई मर गया उसी के लिए पूरे रो रहे। कुछ मैंने तो ऐसे लोग देखे, कोई अपना नजदीकी मर गया उसने भी सुसाइड कर लिया। अरे भाई उसका जीवन था, वो जी गया, तू तेरा जिंदगी जीना, ठीक है, दुख होता है। मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल भावना शून्य बनो, मैं बोलता हूं वैचारिक भावनावान बनो। जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त होगा मैं विश्वास के साथ कहना चाहूंगा किसी भी बात का आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये भूमिकाएं है, ये भावनाएं है, ये जीवन है, ये तो ऐसे होगा ही। आपके जीवन में सुख है, दुख है, दिन है, रात है, बारिश है, धूप है, ऐसे तो ऋतुएं भी बदलती है, उसी प्रकार जीवन बदलेगा। अपने जीवन में आज के लक्ष्य में एक बात आपको तय करनी है, जो कर्म का सिद्धांत है, भोगना सबको पड़ता है, उससे किसी का भी छुटकारा नहीं है, इसीलिए
शिरडी के साईं बाबा का सबसे पहला आशीर्वाद है, मानवता ही धर्म है। श्रद्धा, सबूरी और प्रारंभ करो, जारी रखो। सबका मालिक एक। बस एक बार दृढ़ता के साथ चलो। मैं छोटी सी कहानी से आपको एक बात आज बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी में समझाना चाहूंगा, और हो सके तो इस कहानी को आप अपने जीवन में आत्मसात करना। भाई और बहनों, जो भी ज्ञान आपके पास है ना, उसके अपने जीवन में इस्तेमाल करके लोगों की सेवा करो। सबसे बड़ा कार्य है लोगों की सेवा करना, उनको आनंद देना। उससे जो जीवन बदलता है ना अपना, उससे ज्यादा खुशी और कुछ भी नहीं। ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो इस मानव जात में आने के बाद आपको कर्म करना है। कोई इकट्ठा मत करो। कोई भी जानवर कभी कोई धान नहीं इकट्ठा नहीं करता, उसकी रोजी रोटी इकट्ठा नहीं करता, लेकिन वो भूखा कभी नहीं मरता। सिर्फ इंसान ऐसी चीज है जो सिर्फ इकट्ठा करता है और खा भी नहीं ठीक से पापा। इतने सारे लोग मैंने देखे, मीठा नहीं खाना है, इकट्ठा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, डायबिटीज है, इतनी सारी बीमारी है, करोड़ों रुपए इकट्ठा करने में समय व्यतीत किया और जब खर्च करने का समय आया तो जिंदगी नहीं बची। राकेश झुंझुनवाला का नाम आपने सुना होगा, अरबपति इंसान था, खुद के फ्लाइट थे, आकाशा नाम की उन्होंने एयरलाइंस भी शुरू की, बहुत कुछ किया, लेकिन अपने शरीर अपने देह के ऊपर ध्यान देना छोड़ गए। और याद रखना, वो पूरा चीज उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया लेकिन उसका उपभोग नहीं ले पाए। इसीलिए कुछ ऐसे लोग मैंने देखे, आज भी मुझे सबसे प्रीतिपूर्ण और सबसे अच्छे व्यवसायी, मैं उनका कोई मार्केटिंग नहीं करता हूं, लेकिन निजी तौर पर कहा जाए तो मैं आनंद महिंद्रा जी को बहुत बहुत मैं उनका तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उनकी सेहत, उनका एक शरीर, उनका मन, उनके विचार, उनके ट्वीट्स, उनका कार्य, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका समाज, उनका कार्य, उनका व्यवसाय, उनका व्यापार, उनका उद्यम, उनकी सोच, उनकी भाषण, जब भी मैं पढ़ता हूं मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे परफेक्ट इंसान होने चाहिए। हो गए, उनके जीवन में भी निजी तौर पर दुख सुख होंगे, वो कभी ज्यादा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया, लेकिन उनकी व्यवहार, उनका समाज देखने के बाद दिल खुश हो जाता है। उसी प्रकार होना चाहिए। इसी को कहते हैं जीवन, क्योंकि अपने कार्य में लगते समय, मैं बहुत पहले पहले आपको पुरानी कहानियां बताता हूं, अभी मैं इर्द गिर्द देखता हूं कहानियां। हर दिन मेरे को एक पात्र दिखाई देता है, हर दिन जीवन में एक कार्य दिखाई देता है, हर इंसान में मुझे एक वो अहमियत दिखाई देती है जो उसमें होनी चाहिए। और इसीलिए कर्म का सिद्धांत ना टाले, जो महान हुए, जो भगवान के नजदीक गए, जो भगवान तक बने, उनके भी कर्म नहीं छूटे तो हमारे नहीं छूटेंगे। आज मैं दम के और डट के मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि इस बात को आपको भोगना पड़ेगा, कभी छुटकारा नहीं इससे। ये मत सोचिए कि आपको इससे छुटकारा मिलेगा, और कोई इसके भगवान की इसमें कोई भी वशीलेबाजी दलाली नहीं चलती। भगवान उसको कर्म लेने के बगैर ही उस शरीर को मुक्ति देते हैं, वैसा नहीं देते। इसीलिए मैं सिद्धांतिक तौर पर कहूंगा, जो भगवान अपने खुद के लिए नहीं बचा पाए वो दूसरों को क्या बचाएंगे। साईं बाबा के पास जाने के बाद क्या मांगना है? ये नहीं मांगना कि बाबा मुझे पैसा दो, ये नहीं मांगना कि बाबा मुझे मेरे संग में से को दूर करो। बाबा को ये मांगो, हे साईं, मेरे जीवन में जो भी समस्या आए उसका डट के सामना करने की शक्ति मुझे देना। हे साईं, मैं मेरे हाथ से साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय, हे साईं, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि जो मेरे जीवन में कार्य करने में मदद करे। इन सब चीजों के प्रति उठो भाइयों बहनों, रुको मत, कार्य करो, डट के खड़े रहो और संभाल के काम करोगे तो जीवन बदलेगा। भगवान से क्या मांगना है आपको? आपके कार्य में तो फल मिलेगा, आप जितना आउटपुट दोगे, इनपुट दोगे उतना आउटपुट आएगा। अगर इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट कहां से आएगा? कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, बिना कर्म किए कौन देगा आपको कुछ? कुछ भी नहीं देगा। इसीलिए अगर जीना है तो कर्म करना पड़ेगा, और अगर मरना है तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। और क्यों नहीं जीना है? जिंदगी अगर हमारे हाथ में नहीं है तो मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। मैं खासकर उन लोगों को आज कहना चाहता हूं जो कर्म से भागना चाहते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने कर्तव्य से भागने के लिए उनका बड़ापन समझते हैं, और ये गलत बात है। इसीलिए कुछ कर गुजरने के लिए मैं कहता हूं, मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और वो संकल्प होना चाहिए वैचारिक संकल्प, दृढ़ता वाला संकल्प, मानवता वाला संकल्प, प्रगल्भता बनाने वाला संकल्प, और राष्ट्र को निर्माण करने वाला संकल्प, बस और कुछ। और ये बनना है, कुछ करना है, और इसीलिए यत्र योगेश्वरो कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। क्योंकि काम एश क्रोध एश रजोगुण तम भव, ये भूमिकाएं है अपने जीवन में। अपने को अपना जीवन का कर्म भोगने से पहले या कर्म भोगते भोगते जीवन को जीना भी चाहिए। अब बोलेंगे जीने वाली कौन सी बात है, रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी से जीना ही जीवन है। जीवन कोई पड़ाव नहीं है भाइयों, जीवन कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, हर दिन जीना ही जीवन है। सच कहता हूं मैं, कोई लक्ष्य नहीं होता बड़ा जीवन का, जीने का कोई लक्ष्य नहीं, जीवन ही लक्ष्य है। हर दिन की जिंदगी जीना ही लक्ष्य है। आप ठीक से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, हर दिन जीवन अच्छी तरह से जीना ही जीवन का लक्ष्य है, ना कि जीवन में कुछ पाना लक्ष्य होना चाहिए। कुछ पाने के बाद क्या, कुछ लोग बहुत अच्छे तय करते हैं कि मैं ये पाना चाहता हूं, जिस दिन वो चीज पा लेते हैं उस दिन फिर से दुखी हो जाते हैं क्योंकि और आगे का पड़ाव दिखता है। कभी आदमी इंसान कभी खुश नहीं होता, और जो इंसान खुश होता है वो ज्यादा भागता भी नहीं अलग मार्ग से। मैं नहीं चाहता कि आप दुखी हो जाओ, कर्म है उसको भोगो, इसीलिए प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी विचारधारा से श्राई वाणी से जुड़ो। ओम साई राम प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साई आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउर गांव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहां साई आंगन की, और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मिति करते हुए उन्होंने यहां निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ, कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साईवाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मिति की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने saivanitrust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए saivanitrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहां आए, ये बाबा की नगरी है, यहां बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607।
ओम साईं राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।